हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल भाई साहब आपका? सपोज करता हूँ सब ठीक ही होंगे। और भाई, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, कॉफ़ी मशीन है, मैं बेचता हूँ। तो मैं, जो भी बंदे नए हैं, जो नए सीख रहे हैं कुछ भी है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे वो फोटो फिल्टर में शॉट निकालते हैं, ये सब बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फोटो फिल्टर में शॉट कैसे निकालो। चलो देखते हैं मशीन के ऊपर जाके। जैसे कि भाई आप सबको पता ही है, ये अपनी ग्राइंडर, बीन्स ग्राइंडर, और इसको हुपर बोलते हैं। हुपर, इसमें बीन्स डाले जाते हैं। और ये अपना हो गया डोजर, इसमें अपना पाउडर आता है, बीन्स ग्राइंड हो गए, पाउडर इसमें आता है। और हम ये लीवर की वजह से ये खींच के निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। नीचे मैं लीवर खींच रहा हूँ और ये निकल रहा है। ऐसे ही हम पाउडर निकाल सकते हैं। और ये अपनी कॉफ़ी शॉप की मशीन है, मैं रेंसिलो की यूज़ कर रहा हूँ मशीन, क्लासिक 6 की। इसमें 3 फोटो फिल्टर है, नॉर्मली आपने 2 ही देखे होंगे इंडिया में। जैसे कि भाई ये अपना फोटो फिल्टर है, इसमें नॉर्मली 15 ग्राम पाउडर आता है, 15 से 18 ग्राम। और हम इसको ऐसा लगाते हैं नीचे ये ग्राइंडिंग मशीन के, और लीवर के हमेशा ध्यान रखना अपनी टैंपिंग की। इधर लाइन होती है, उससे नीचे ही होनी चाहिए। आप ज़्यादा बरते हो तो शॉट परफेक्ट नहीं निकलेगा। आप देख सकते हो ऐसी आपकी होनी चाहिए। अभी हमें निकालना है शॉट, और मशीन के ऊपर ये सब स्विच है। कईयों को पता होएगा, कईयों को नहीं पता होएगा इनका क्या यूज़ होता है भाई। ये सिंगल शॉट के लिए होता है, जिनको स्ट्रॉन्ग पीना होता है उनके लिए। ये डबल शॉट है, इसमें 30-30 आएगा, और ये सेम इसी तरह होएगा। इधर इसमें कंफ्यूजन होती है, ये 30-30 है, ये 40-40 है, और ये जो है ये 50 ml है। और ये अपना मैनुअल स्विच है कि हमें जितना चाहिए उतना ही निकालेंगे। ये हमारे मैनुअल स्विच है सभी। और ये पानी का है, ये वाला, ये अलग है। और चलो हम आपको शॉट निकाल के दिखाते हैं। अभी हमें शॉट कम ही चाहिए था, तो हमने ये वाला दबाया। चलो मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा अपना क्रोमा एस्प्रेसो निकल रहा है, चेक कर सकते हो दोस्तों आप। चेक कर सकते हो कितना अच्छा क्रोमा वगैरह निकला है शॉट का। इसी तरह दोस्तों आपको दबाना है, ये स्विच है, आपको जितना चाहिए उतना ही आप दबा सकते हो। दोस्तों अभी टर्न है फॉर्म बनाने की, तो फॉर्म बनाने के लिए आपको दूध चाहिए। आप उस हिसाब से दूध लिए जिस हिसाब से आपका कप का साइज है। और ये अपना रोलर है, स्टीम कंट्रोल रोलर, और ये अपनी स्टीम नोजल है। फ्रोथ बना के मैं आपको पॉरिंग करके दिखाता हूँ। ये अपनी फ्रोथ बनती है,
चेक कर सकते हो दोस्तों, ऐसे ही बस हमें फ्रॉथ करनी है। अभी मैंने तो फ्रॉथ अच्छे से नहीं की बिकॉज मैं वीडियो बना रहा था, तो अच्छे से नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे। मैं आप वीडियो में फ़ोटो भी लगा दूंगा अपने एक्सपीरियंस की। कोई बात नहीं, आप अच्छे से बनाए, मतलब कि काम करें। जो भी क्वेश्चन होएगा आपको मेरे को वीडियो में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।